नमस्कार साथियों, आज एक दिलचस्प किस्सा सुनाता हूँ। ये जो गन्ना खड़ा है यहाँ, छोटा सा एक पेंडा लगाया मैंने काफ़ी दिन पहले। मैं इस खेत की जुताई कर रहा था तो यहाँ एक टटीरी बैठी थी, तो मैंने जगह छोड़ दी थी। वो अंडे के ऊपर बैठी थी अपने टटीरी, वो घूम रही उधर, ये बैठी। इसका एक साथी भी है, जोड़ा कह सकते हैं, वो भी यहीं पर है। अब मैं दिखाता क्या हूँ आपको कि एक माँ होती क्या है। देखो, वो दोनों वहीं पर हैं, एक वो रही और एक वो रहा, एक ये भी अंडे के ऊपर बैठी थी, ट्रैक्टर की आवाज़ सुन के ये हट गई। किस्सा क्या है? किस्सा ये है कि ये बगल वाले खेत में कम से कम 200-250 कौवे हैं और 50 चिड़िए। इन दोनों टटीरियों ने एक भी कौवे को अपने अंडों के पास भटकने तक नहीं दिया। जो मादा टटीरी है वो कितनी हिम्मत दिखा रही है, ये मैं आज देख रहा हूँ। मैंने उस दिन ट्रैक्टर के आगे पहिया बस रोकना ही वाला था, तब तक ये हटी भी नहीं थी, एंड मौके पे जाके हटी थी। तो मैंने भी सोचा कि इसका घोंसला नहीं तोड़ना, इसको रखे रहने दो, कोई दिक्कत नहीं, 2-4 फीट जगह रह जाएगी, बोने से कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कौवा हराम भी तो होता ही है, बार बार उसके घोंसले की तरफ जाते हैं और ये टटीरी उसके पीछे भागती है। एक भी कौवा हिम्मत नहीं कर पा रहा कि इसके अंडे उठा ले। ये घटना मेरे साथ दूसरी है, इसलिए मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ। पहले भी एक बार हुई थी तो मैंने ध्यान नहीं दिया था, लेकिन आज मैं लाइव देख रहा हूँ, बार बार ये उड़कर कौवों को भगा रही है। कौवे अपना खाना भी यहाँ खा रहे हैं जुदाई के पीछे पीछे। तो दोस्तों, ये कहानी आज 5502 के साथ कुओटा दूसरी घटी, इसलिए मैंने रिकॉर्ड कर ली। अगली वीडियो में कुछ और ढंग का आपको दिखाऊंगा। धन्यवाद।